शुरू करते हैं मंत्री जी। एक मेरारू अपने मरद से कह दिया कि पिया मिलन शराबी दहिया सखी। बुरा लगता है चौक चौराहों पे इस तरह से लड़कियों के ऊपर टिप्पणियाँ करी जाती हैं, तो हम तो कहते हैं कि सिर्फ मैं ही क्यों, बिहार की सारी लड़कियाँ और सारे लोग मिल करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV न्यूज़ और हमारे साथ अभी नेहा राठौर हैं, भोजपुरी जगत की प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने जो शराबबंदी पर जो है आवाज़ उठाया और जिस तरीके से जदयू पार्टी में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि शराबबंदी को और गाने के माध्यम से एक रचना के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है भोजपुरी में, इनसे बातें करेंगे। मैम, किस तरीके से आपने इस भोजपुरी के गाने के साथ आपने शराबबंदी के लिए आवाज़ उठाई है? जी देखिए, मैं लोक गायिका हूँ, मैं अपने गीत खुद लिखती हूँ, गाती हूँ, और लोक गायिका लोक कवि का कोई पार्टी नहीं होता है, वो सिर्फ जनता का होता है। और मैंने ये देखा कि सत्ता के पास अपना मंच है। देखिए, जैसे आज ये मंच लगा, सत्ता पक्ष ने अपनी बात कह दी, लेकिन उधर से उधर लोगों को क्या प्रॉब्लम है, उसको कोई मंच नहीं है। तो ये मैं गायकी के माध्यम से वो बात रखती हूँ। और देखिए, एक चीज़, कोई भी गवर्नमेंट कभी भी पूरी, मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी पूरी तरह से फेलियर नहीं हो सकती, कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। बेशक बिहार को विकास की दरकार है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें सुधार की दरकार है। लेकिन उसके साथ साथ जो शराबबंदी का फैसला है, बिल्कुल सही फैसला है ना। तो हम सारे लोगों को एक साथ अवेयर होकर इस फैसले को सफल बनाना है। भोजपुरी गीत के माध्यम से आप बहुत सारे मैसेज देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को शेयर करते हैं। ऐसे में जिस तरीके से आपने ये कहा कि जो अश्लील चीज़ें हैं उसको हटाया जाए, और लल्लन सिंह ने भी इसका अच्छा रिस्पांस दिए, इस पर मैं कैसे आपको ये इतना बेहतरीन बातें आपके माइंड में? बेहतरीन बातें नहीं है सर। देखिए, बुरा लगता है चौक चौराहों पर इस तरह से लड़कियों के ऊपर टिप्पणियाँ करी जाती हैं, तो हम तो कहते हैं कि सिर्फ मैं ही क्यों, बिहार की सारी लड़कियाँ और सारे लोग मिल करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और बेहतरीन तो क्या, लेकिन बुरा लगता है इसलिए कहना पड़ता है, ये हमारी ठीक बात नहीं है ना। क्योंकि हर एक भाषा की एक मर्यादा होता है, और हर एक भाषा लिटरेचर साहित्य जो है बहुत बड़ी चीज़ है। इसके माध्यम से जो है लोगों को संदेश भी आप देते हैं, चाहे वो मैथिली हो, भोजपुरी हो, तमाम जितने भी भाषा हैं। तो भोजपुरी में आप जो देते हैं, तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा आया और कहाँ से इतने बढ़िया रचना करते हैं? सर, प्रेरणा की अगर बात रही तो सबसे पहली बात तो मेरी मम्मी खुद गाती थी, पर कभी उन्होंने गीत लिखा नहीं, तो गाना तो उनसे ही सीखा है। मम्मी को देखा, शादी विवाह में जाके लोग गीत गारी गाती थी, तो पहले तो मुझे बड़ी शर्म आती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमको पता चला कि नहीं, चीज़ें कितनी सही है, अपनी पारंपरिक गीतों का संरक्षण होना चाहिए, ये गीतें समृद्ध होनी चाहिए। तो फिर मैंने एक दिन एक गीत लिखा और लोगों ने बड़ा पसंद किया, कहा कि तुम तो अच्छा लिखती हो, तो मेरा मन बढ़ गया, तो दो चार गीत और लिख लिए। फिर बिहार में चुनाव था, फिर मैंने बिहार में काबा गाया, और इसके बाद से लोगों ने पसंद किया। अब आपकी क्या मिशन है इस मतलब आप एक आर्टिस्ट हैं भोजपुरी में और अच्छा इतना गाते हैं, आपका मिशन क्या है और आप आगे आप जनता को किस तरह से आप इस तरह से मैसेज देंगे? देखिए, जो मेरा मिशन है वो हमेशा से यही रहेगा कि मैं जनता के पक्ष से जनता के मुद्दे लोक गीत के माध्यम से उठाती रहूँगी। मेरा बस यही मिशन है, और ये मिशन मैं जानती हूँ कि जीवन पर्यंत चलने वाला, जब तक मेरी सांस रहेगी ये चीज़ें चलती रहेंगी। धन्यवाद। गलती के क्षमा करब रघुवालो। शुरू करते हैं मंत्री जी। एक मेहरारू अपने मरद से कह दिया कि पिया मिलन शराबी दहिया गाल सखी। अरे पिया मिलन शराबी दहिया गाल सखी, कबो एक कथा बेचे, कबो दो कथा बेचे। अरे कबो एक दहिया
अरे कब हर वहां बेच के पिए, कब टिकवा बेच के पिए, कब चुड़िया बेच के पिए, हाँ कंगना बेच के पिए, पूरा गाने पर नंबर लगाए सखी, पिया मिलल बा शराबी, दहिया गलल है सखी, अरे कब थरिया बेच के पिए, कब लोटा बेच के पिए, कब थरिया बेच के पिए। अब लोग बिताएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरा तो गला थोड़ा कम साथ दे रहा है, आप लोग कहीं गए साथ में, कब थरिया बेच के पिए, कब लोटा बेच के पिए, पूरा बड़ा तन पर नंबर लगावे सखी, पिया मिलल बा शराबी, दहिया गल ले सखी। तो ये हमारे साथ नेहा राठौर थी, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम भोजपुरी आर्टिस्ट के नाते लोगों को संदेश देते हैं, लोगों को जो शराबबंदी की बात हो या अश्लील गाने की बात हो, इसको लेकर मैंने सरकार में भी कहा, और ललन सिंह इसको रिस्पांस दिए, इसको साफ तौर पे एक बेहद ख़ास तरीके से उन्होंने सवाल उठाया और अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और ऐसे ही तमाम सारे मुद्दे पर नेहा जी अपने भोजपुरी गाने के माध्यम से बात उठाती रहती हैं। तो आप हमारे साथ नेहा राठौर को देख रहे थे। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे IBTV न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।